5th and today I will explain the chapter number 12 of moral and the chapter name is determination. So what is the important of this chapter? Self-confidence, hard work, courage and self-satisfaction. So let's read the story. There was a great scholar in Russia. His name was Tolstoy. रसिया में एक महान स्कॉलर था. महान स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान. एक महान विद्वान था. उसका नेम था टॉल्स्टॉय. वंस एक बार अ वेल फिल्ड मैन केम टू हिम एंड सेड. एक भला आदमी आया, अच्छा खासा आदमी आया और उसने कहा, सर आई एम अ वेरी पुअर पर्सन. आई एम अ वेरी पुअर मैन. मैं एक बहुत बहुत गरीब व्यक्ति हूँ. प्लीज़ हेल्प मी. प्लीज़ मेरी मदद करें. टॉल्स्टॉय लुक्ड एट हिम केयरफुली. टॉल्स्टॉय ने उसको केयरफुली देखा, ध्यानपूर्वक देखा. बट डिड नॉट से एनीथिंग. लेकिन उसे कुछ नहीं कहा. द पर्सन रिपीटेड हिज रिक्वेस्ट सेवरल टाइम्स. लेकिन जो पर्सन था, जो व्यक्ति था, उसने अपनी जो रिक्वेस्ट थी उसको बार बार रिपीट किया. बट ही गॉट नॉट रिस्पॉन्स फ्रॉम टॉल्स्टॉय. लेकिन उसने टॉल्स्टॉय की तरफ से कोई भी जवाब नहीं पाया. ही फेल डिसअपॉइंटेड एंड केम बैक. वह बहुत निराश हो गया और वापस चला गया. लेटर बाद में. वन डे एक दिन टॉल्स्टॉय वॉज सिटिंग इन हिज गार्डन. एक दिन बाद में क्या हुआ? एक दिन टॉल्स्टॉय अपने गार्डन में बैठे थे. ही सॉ द सेम मैन कमिंग टूवर्ड्स हिम. उन्होंने उसी व्यक्ति को अपनी तरफ, उसी सेम व्यक्ति को आते हुए अपनी तरफ देखा. दैट मैन सैल्यूटेड टॉल्स्टॉय एंड रिक्वेस्टेड. उस व्यक्ति ने टॉल्स्टॉय को सैल्यूट किया और रिक्वेस्ट की, सर आई हैड कम टू यू अर्लियर ऑल्सो बट यू डिड नॉट हेल्प मी. सर मैं पहले भी आपके पास आया था लेकिन आपने मेरी कोई मदद नहीं की. दिस टाइम इस समय आई हैव कम विथ ग्रेट होप. और इस समय मैं बहुत आशा से आया हूँ कि आप मेरी मदद कर दोगे. टॉल्स्टॉय कुड नो लॉन्गर मेंटेन साइलेंस. अब टॉल्स्टॉय था वो ज़्यादा समय तक जो साइलेंस था वो ना रख सका. ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. तुम्हारी समस्या क्या है? सर आई एम अ वेरी पुअर मैन. उसने कहा, सर मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ. आई हैव नो मनी. मेरे पास पैसा नहीं है. देयरफॉर इसलिए आई नीड योर हेल्प. इसलिए मुझे आपकी ज़रूरत है. बट आई कैन नॉट हेल्प यू. सो यू मे प्लीज़ गो, सेड टॉल्स्टॉय रेदर एंग्रीली. और टॉल्स्टॉय ने गुस्से में कहा, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम हो सके तो यहाँ से चले जाओ. द मैन वॉज ग्रेटली डिसअपॉइंटेड एंड ही रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड. अब जो मैन था वो बहुत बुरी तरीके से निराश हो गया और लौट गया खाली हाथ. द मैन डिड नॉट लॉस होप एंड ही केम फॉर द थर्ड टाइम. लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी आशा को नहीं खोया, वह एक बार फिर से गया. वंस अगेन, एक बार ही रिपीटेड हिज रिक्वेस्ट. एक बार उसने फिर से अपनी जो रिक्वेस्ट थी उसको रिपीट किया, उसको कहा. टॉल्स्टॉय सेड टू हिम. टॉल्स्टॉय ने उससे कहा, इन माई ओपिनियन यू आर नॉट अ पुअर पर्सन. उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम पुअर पर्सन नहीं हो, तुम गरीब व्यक्ति नहीं हो. नो सर आई एम अ रियली वेरी पुअर. उसने कहा, नहीं सर मैं सच में बहुत गरीब व्यक्ति हूँ. ऑल राइट, ठीक है. A friend of mine is a big businessman. He purchases and sells things. You will have to go to him. Tolstoy said. Tolstoy ने कहा, ठीक है, मेरा एक friend है जो कि एक बहुत बड़ा businessman है और वो क्या purchase करता है, और वो बहुत सारी चीज़ों को purchase करता है और तुम्हें उसके पास मदद के लिए जाना चाहिए. बट आई डोंट हैव एनी थिंग टू बाय और सेल. लेकिन उसने कहा, लेकिन ना मेरे पास कुछ ख़रीदने और बेचने के लिए कुछ है ही नहीं. सो व्हाट सेल आई डू देयर. तो मैं वहाँ क्या करूँगा? ही आस्क्ड, उसने पूछा. ही परचेजेस हैंड. उसने कहा, वो क्या ख़रीदता है? हाथ ख़रीदता है. क्या? हाथों को ख़रीदता है. ही कैन गिव यू 10,000 रूबल्स फॉर वन हैंड. उसने कहा कि वो तुम्हें एक हाथ ख़रीदने के लिए 10,000 रूबल्स देगा. एक हाथ के लिए 10,000 रूबल्स देगा. इफ़ यू लाइक यू मे सेल वन ऑफ योर एंड गेट 10,000 रूबल्स. टॉल्स है. उसने कहा कि वो एक हाथ के कितने देगा? 10,000 रूबल्स. और यदि हो सके अगर तुम दोनों हैंड भेज दो तो वो तुम्हारे दोनों हाथों की 10,000 रूबल्स दे देगा. आफ्टर दैट द मैन फेल्ट नर्वस एंड सैड.
वो जो व्यक्ति था बड़ा नर्वस हो गया ऐसी बातें सुन के कि वो अंग खरीदता है। एक्सक्यूज मी सर, उसने कहा क्षमा करें सर, कैन आई पर्सन सेल हिज हैंड, कैन अ पर्सन सेल हिज हैंड, कोई व्यक्ति कैसे एक हाथों को खरीद सकता है। आई कांट डू दैट, मैं वैसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, ही परचेसेस लेग्स, चलो ये मैटर नहीं करता, वो तो पैरों को भी खरीदता है। उसने कहा वो पैरों को भी खरीदता है। ही विल श्योरली गिव 25,000 rubles फॉर 1 lakh, उसने कहा कि वो तुम्हें 25 rubles देगा 1 lakh के लिए। इफ़ यू लाइक यू कैन गेट रिड ऑफ योर पॉवर्टी बाय सेलिंग यू योर 1 lakh, उसने कहा कि जो तुम्हारी जितनी भी गरीबी है वो एक पैर बेचने से पूरी दूर हो जाएगी। नो नो आई कांट सेल माई लेग, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं बेच सकता अपने पैर को। ही सेड, उसने कहा कि मैं नहीं नहीं मैं अपने पैर को नहीं बेच सकता, कैसे बेच दूँ मैं अपने पैरों को। लुक हियर, उसने कहा देखो यहाँ, दैट मैन परचेसेस आइज टू, देखो वो व्यक्ति तो आँखों को भी खरीदता है। चलो पैर नहीं बेचना तो आप एक काम करो अपनी आँखों को बेच दो। ही कैन गिव यू अप टू 1 lakh फॉर 1 eye, और वो तुम्हें एक आँख के लिए कितना देगा, 1 lakh rupees देगा। कितने? 1 lakh rupees देगा एक आँख के लिए। इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यू मे सेल वन ऑफ योर आइज, तुम अपनी एक आँख बेच दो। सेल वन आई एंड कैरी वन विद अदर वन, और तुम एक अपनी आँख बेच दो और फिर जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए ना तो एक आँख दूसरों से ले लेना। यू विल बी अ रिच मैन, जब तुम रिच मैन बन जाओ तब तुम किसी और से एक आँख ले लेना, अभी एक आँख बेच दो। Perhaps there is no other simpler way, शायद यहाँ पे कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। You will not have to do anything and you will get a lot of money, said Tolstoy. Tolstoy ने कहा आप कोई भी यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते पैसों के लिए। ओके, सो Tolstoy एडेड, यू विल नेवर गेट सच अ चांस अगेन, और तुम्हें ऐसा चांस भी कभी नहीं मिलेगा जो अभी मिल रहा है, 1 lakh rupees मिल रहा है। या तो हाथ बेच दो या पैर बेच दो, अब एक आईज बेच दो जिससे तुम्हें 1 lakh मिल जाएंगे, उससे तुम अमीर व्यक्ति बन जाओगे। उसने कहा ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। आफ्टर दैट आई कैन गिव यू अ लेटर इन हिज नेम, जस्ट पॉसिबल ही मे गिव योर मोर। दी मैन गॉट एंग्री एंड सैड, वो जो व्यक्ति था बड़ा गुस्सा हो गया। सर व्हाट आर यू सेइंग, सर आप क्या कह रहे हैं। कैन एनीबॉडी सेल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी, कोई अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट्स बेच सकता है क्या। Tolstoy then said, My dear young man, you have got 2 hands worth 20,000. 2 lakhs worth 50,000, 2 lakhs worth 2 lakhs and many more organs worth lakhs and lakhs of rubles. इसके बाद Tolstoy ने कहा माई डियर यंग मैन, जो तुम्हारे हैंड है वो 20,000 की है, जो तुम्हारी लेग है वो 50,000 की है, और जो तुम्हारी दोनों आँखें हैं वो तो कई लैक्स की हैं, और इसके अलावा जो जितने तुम्हारे भी अंग हैं पता नहीं कितने लाखों रुपए के हैं, तो तुम उनको बेच दो। हाउ आर यू अ पुअर मैन, जब तुम्हारे पास इतने लाखों के अंग हैं तो तुम किस बात के गरीब। उसने कहा किसने, उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास लाखों के अंग हैं इतने, तो फिर तुम किस बात के गरीब हो। यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब व्यक्ति नहीं हो। यू लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है लैक में। वर्क हार्ड विथ डेडिकेशन, और डेडिकेशन के साथ कठिन परिश्रम करो। यू विल सून बी अ रिच मैन, जिससे कि तुम एक अमीर व्यक्ति बन जाओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।